क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कहता है कि वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन fx x2 2x 8 पिक द x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -4 से लेकर 2 तक। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, रॉल्स थ्योरम को सैटिस्फाई कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो हमने बताया कि वेरीफाई तब होता है जब LHS बराबर RHS हो जाता है, तो रॉल्स थ्योरम क्या बोला जाता है, सैटिस्फाई होता है, वेरीफाई होता है। तो सबसे पहले आपको ये फंक्शन, जब भी ऐसा कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन, तो आपको पॉलिनोमियल फंक्शन बोलना है। तो स्टेप बाय स्टेप के अनुसार आपको सॉल्यूशन करना है। नंबर 1 क्या बोलोगे, fx be a polynomial function x is continuous close interval -4 से लेके कहां तक, उधर। क्या करना, बोलना है कि फंक्शन जो होगा, मेथड से जो होगा, ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और वो कैसा है, क्लोज इंटरवल है -4 से क्या तक, उधर। अब दूसरा स्टेप क्या करना, हमने बोले थे कि दूसरा स्टेप में जब भी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिया जाएगा उसको डिफरेंशिएट करना। जैसे डिफरेंशिएट करोगे ना, तो ये जो क्लोज इंटरवल है ना, ये तुरंत क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, तब लिखा जाएगा f(x)। हमने बोले थे जब किसी चीज को डिफरेंशिएट करोगे तो फंक्शन यहां पर f(x) इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार क्या आ जाएगा, f(x) आ जाएगा। जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो हमने डिफरेंशिएशन पर बताया था कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता, 2x होता, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता, x 2 होता है, 2 और 8 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, हमने बताया था कि ये कांस्टेंट है, तो यहां पर 0 लिखना जरूरी नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, कैसा इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा, -4 से लेकर क्या तक, 2 तक हो जाएगा। नंबर 3 हमने बताया थे LHS और RHS के माध्यम से दोनों पार्ट को बराबर करना। जैसे दोनों पार्ट बराबर हो जाएगा तो फिर आपको बोलना है रॉल्स थ्योरम सैटिस्फाई है, और जब बराबर नहीं होगा तो फिर आपको बोलना है रॉल्स थ्योरम सैटिस्फाई नहीं है। ओके, देख लो, यानी कि फंक्शन ऑफ a यहां पर रखा जाएगा, ध्यान से देखना, इसी चीज को हम लिखते हैं fx बराबर है x2 2x 8 है, यहां पर क्या है x, तो यहां पर क्या बना x, x2 बना, और यहां पर क्या बना x बना। यदि यहां पर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वही वैल्यू आप यहां बैठ जाएगा, यस। तब देयरफॉर बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ -4 रखते हैं, जैसे -4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2 -4 और माइनस क्या 8 हो जाएगा, तब माइनस फंक्शन ऑफ -4 बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अब प्लस माइनस 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 4 दुगनी 8, अब फिर माइनस 8, आपको मालूम है 16 माइनस 16 बराबर क्या होगा, 0, यानी कि फंक्शन ऑफ -4 क्या निकला, 0 0 निकला। फिर क्या किया जाएगा, एंड फंक्शन ऑफ 2 के साथ टेस्ट करना है, यानी कि f2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा ना, फिर क्या होगा, प्लस 2 गुना 2 माइनस क्या 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 2 गुना 4 माइनस क्या 8, यानी कि 4 प्लस 4 8 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। आपको मालूम कि जब दोनों पार्ट बराबर हो गया, इसका वैल्यू कितना निकला, 0 0, इसका वैल्यू क्या निकला, 0। तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर फंक्शन ऑफ -4 बराबर फंक्शन ऑफ -2, दोनों पार्ट बराबर है, यस। और जैसे बराबर हो जाएगा तो क्या बोलोगे, रॉल्स थ्योरम सैटिस्फाई, राइट, टू वेरीफाई। तो रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम इज क्या, सैटिस्फाई, सैटिस्फाई, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सैटिस्फाई हो जाएगा आपको बोलना, सो देयर मस्ट एग्जिट, एक सी कांस्टेंट ले लेते हैं, सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल, लेकिन ओपन इंटरवल आपका क्या है, -4 है, तो -4 से लेके क्या था, 2 तक लिखा होगा। तो इसके बाद आने वाला स्टेप देखना है, क्या बोलना है, सच दैट फंक्शन f(c) बराबर क्या होता है, 0। ये याद रखना, रॉल्स थ्योरम से सैटिस्फाई हो जाएगा कि ये फार्मूला यूज करना, f(c) बराबर क्या होता है, 0 0। अब ध्यान पूर्वक देखना कि f(c) कहां, यहां पर है कहीं,
तो ध्यान से देखना कि f डैश x, f डैश x बराबर क्या x, यहां पर क्या है x, तो यहां पर क्या बैठा x, लेकिन f डैश तो है yes. यदि यहां से x हटा दूं तो यहां पर x यहां से भी हट जाएगा yes. और यहां डाल दूं c तो यहां भी क्या बन जाएगा c, c बन जाएगा। तो याद रखना यहां पर क्या लिख सकते हैं इसके अनुसार 2 c प्लस क्या c बराबर क्या 0 यानी कि 2c बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2, इसीलिए c बराबर कितना 2/2 कैंसिल हो कितना बचेगा माइनस 1। यही आपका क्या बन गया रॉसेल थ्योरम वेरीफाई हो गया। इसलिए क्या बोलोगे हैंस fx या हैंस रॉस थ्योरम इज क्या वेरीफाई। ओके एक रफ और थोड़ा सा बताते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए जब भी कोई इंटरवल दिया है चाहे -4 या 2, कोई भी इंटरवल दिया है एनी इंटरवल का बात किया जाएगा। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो कैसे बनाना डायरेक्टली आंसर क्या करना ये बात -4 और ये दोनों चीज को जोड़ दो और कितना वैल्यू टोटल में 2 आ जाए इसे 2 से डिवाइड कर दो कितना बनेगा -2/2 का कितना होगा -1। तो जब भी ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाए इसका इंटरवल से वेरीफाई कौन सा मान होगा तो -1 से हो जाएगा। ओके यस कोई प्रॉब्लम नेक्स्ट।